थोड़ा सा बिना स्ट्रेस लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 140 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा एवरेज कर ले, कहीं पे भी 180-190 तक आता है तो फिर वहां पे अपना एग्जिट कर ले पोजिशन में से। आईएएस को लेकर ये व्यू रत्नेश का। आगे बढ़ेंगे, कृष्णा का सवाल लेंगे, इंस्टाग्राम से आया है और इनके पास है शेयर एलआईसी हाउसिंग के। 8,000 शेयर हैं 386 रुपये के भाव पर, और 386 वाले शेयर पर इनको प्रति शेयर 50 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है। रत्नेश, एलआईसी हाउसिंग हमने देखा था कि पिछले महीने ये शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर गिरा था, वहाँ से थोड़ी रिकवरी की कोशिश चल रही है। और अगर हम हाउसिंग को और हाउसिंग फाइनेंस को और रियल एस्टेट को अगर क्लब कर दें, तो हमने देखा था हाल फिलहाल बड़े अच्छे नंबर निकल के आ रहे हैं हाउसिंग कंपनीज की तरफ, रियल एस्टेट कंपनीज की तरफ से। एलआईसी हाउसिंग, ऐसे तो इसका स्ट्रक्चर आपको कमजोर ही दिख रहा होगा, लेकिन आप सलाह अभी क्या देंगे? हाउसिंग का सही बात का आपने बोली कि स्ट्रक्चर इसका जरूर कमजोर है, क्योंकि मैं हमेशा से ये सलाह देता हूँ अपने निवेशकों को और आपके चैनल के माध्यम से भी कि स्टॉक हमेशा हम ऐसा चुनना चाहिए जो मार्केट के साथ परफॉर्म करे या एटलीस्ट आउट परफॉर्म करे, एटलीस्ट मार्केट के साथ परफॉर्म करे। आप देखेंगे बाजार में जितनी भी तेजी आई है इसमें इसमें किसी भी तरह का इसको फायदा नहीं मिला, नहीं किसी तरह का पार्टिसिपेट इसने करा, हालांकि इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे एक मैं अभी सलाह दूंगा इनको कि कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए। मेरे मेरी तरफ से इनको सलाह रहेगी कि 300 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा ले। एक बार इनको कहीं ना कहीं इस तेजी में मेरे हिसाब से 380-385 का भाव इनको देखने को मिल सकता है तो वहां पे से एग्जिट कर ले, पर स्टॉप लॉस जरूर लगाए 300 रुपये का। एलआईसी हाउसिंग को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से विजय शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन।